प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे संग्रहालय पटना के तरफ से जो है ये अपडेट 2022 का ही है, लेकिन ये जो है आपका जो बिहार में अमीन 1767 पोस्ट का जो वैकेंसीज निकाली गई है और आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया, जिला आवंटन किया गया है, तो ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तरफ से ही है, यानी LRC डिपार्टमेंट के तरफ से ही जो है निकाला गया था। तो आपको जो लोग भी सेलेक्ट हुए हैं, है ना, जिन लोगों को भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है, तो उनको अब आगे के प्रोसेस जो होगा, है ना, जो कि वो अपने कार्यालय जो जहां पे भी उनको ऑफिस में दिया गया है, उस ऑफिस में जाकर अपना जो है डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करेंगे, तब जाकर जो है उनका ज्वाइनिंग होगा। उसके लिए जो है डेट आपका जो है जारी किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि डेट जारी नहीं किया जाएगा, डेट जारी किए जाएंगे, उसका नोटिस जो है आपका आएगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना है, डेफिनेटली वो आपके जो है आएंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट, जब 2014 में जो एग्ज़ाम्स हुआ था इंटर स्तरीय बिहार SSC का, तो उसमें LRC के जो भी ज्वाइन किए थे उनका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगा था, वही डॉक्यूमेंट आपको अगेन यहाँ पे भी जो है लगने वाला है आपका भी। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे डॉक्यूमेंट्स का जो है लिस्टिंग जो है दिया गया है। पहचान पत्र मूल के साथ छाया प्रति, यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट जो है आपको चाहिए, जो कि आपका यहाँ पे फोटोकॉपी होना चाहिए, साथ ही साथ ओरिजिनल भी आप अपना रखे रहेंगे दिखाने के लिए। शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ छाया प्रति, मतलब मैट्रिक और इंटर, है ना, उसका जो है आपका क्या चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का। तो यहाँ पे सभी लोग क्या किस पे इंटर पे अप्लाई किए हैं, या फिर कुछ लोग जो है डिप्लोमा पे भी अप्लाई किए हैं, कई सारे लोग जो है इंटर पे अप्लाई किए हैं और कई सारे लोग जो है डिप्लोमा पे भी अप्लाई किए हैं। तो इंटर का जो इंटर पे किए हैं उन मैट्रिक और इंटर, जो डिप्लोमा और मैट्रिक है तो मैट्रिक और डिप्लोमा का जितने भी सर्टिफिकेट उनके पास है, जितने भी शैक्षणिक योग्यता का डॉक्यूमेंट्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हुए BCC बोर्ड में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था तो वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं वो डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी, रेसिडेंशियल का फोटोकॉपी, जाति का फोटोकॉपी, है ना, फिर जितने भी सही प्रमाण पत्र आपके पास हैं, है ना, वो आपके जो है लगेंगे। गलत पाए जाने पर नियुक्ति रद्द की जाएगी। अगर मान लो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन BCC बोर्ड को कुछ और दिखा दिए, जहाँ पे जिस ऑफिस में आप जा रहे हो ज्वाइनिंग के लिए वहाँ पे कुछ दूसरा डॉक्यूमेंट दिखा दिए, तो फिर भाई दिक्कत है, आपका रद्द कर दिया जाएगा नियुक्ति, ठीक है, ये चीज़ जो है यहाँ पे दिया गया है। फिर एक जो है शपथ पत्र जो है आपको जमा करने रहते हैं, किस चीज़ का, कि भाई अब आपका जो है नौकरी लग गया है, आप दहेज लेते हुए पकड़े जाएंगे तो आपकी नौकरी जो है चली जाएगी, है ना, यानी विवाह में दहेज नहीं लेने या देने से संबंधित शपथ पत्र जो है आपको बनवाने होते हैं। उसके अलावा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी जो है लगता है, तो ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ये विद इन 1 डेज आपका जो है बन जाता है, ठीक है, आपका नोटिस आने दो कि किस दिन जो है आपका ज्वाइनिंग के लिए जाना है, या फिर चाहे देखो अब नोटिस आएगा या फिर आपको जो है डायरेक्ट ईमेल भी किया जा सकता है कि इतना तारीख से इतना तारीख के बीच में जो है सभी लोग ज्वाइन करेंगे। तो अगर आपको ईमेल आता है तो आप हमें ज़रूर बताएंगे ताकि और लोगों को अपडेट दिया जा सके, और अगर नोटिस आती है LRC डिपार्टमेंट के तरफ से तब तो हम आपको हर अपडेट्स जो है शेयर करेंगे। उसके बाद आपका न्यायालय में किसी भी प्रकार का मुकदमा लंबित नहीं रहने का शपथ पत्र जो है आपको लगाना है, मतलब अगर आप पे कोई केस वगैरह हुआ था तो वो केसेस जो है ख़त्म हो जाना चाहिए जिस दिन आपका ज्वाइनिंग है उस दिन से पहले। अगर आपका ज्वाइनिंग मान लो कि आज करने जा रहे हो, ओके, और आपके ऊपर जो है FIR दर्ज है और उसमें आप जो है
अभी कोर्ट में आपका मुकदमा चल रहा है, अभी उसका फैसला नहीं आया है, तो आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आपका मुकदमा ख़त्म हो जाता है, आप दोषी करार ना देकर निर्दोष करार कर दिए जाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से जॉब करो, कोई रोक ठोक नहीं है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो देखो ये LRC का ही जो है डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो है यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा कैरेक्टर प्रमाण पत्र, देखो जो कैरेक्टर प्रमाण पत्र होते हैं ये आपके थाना से भी बनता है और आपका कॉलेज के तरफ से भी प्रोवाइड किया जाता है, तो ये दोनों ही आप बनवा लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, या SDO वगैरह से बनवा लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद जो भी फ़ोटो आपने फॉर्म भरते समय डाला था या नया कोई भी फ़ोटो, अपना 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपना बनवा कर तैयार रखो, ताकि अगर आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत हो, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत आपको ना हो। उसके बाद पूर्व में नियोजित या पद स्थापित कार्यालय में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के छायाप्रति, यानी अगर आप कहीं पे काम कर रहे थे, जॉब वगैरह कर रहे थे, तो उस कंडीशन में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन भी आपके पास होना चाहिए, ताकि जिस डिपार्टमेंट से आप आएँ उसको कोई दिक्कत ऐतराज़ ना हो कि हाँ हमारे डिपार्टमेंट से ये जा रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं आए, वो जहाँ चाहें वो अपना फ्रीली जॉब कर सकते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट जो है कागजात यहाँ पे जो है ज़रूरी हैं, जो कि आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको जो है ये सारे डॉक्यूमेंट जो है लगेंगे, जिस भी दिन आपको ज्वाइनिंग के लिए होगा उस दिन। तो ये सारी अपडेट्स जो है आपको जारी किए जाएंगे LRC डिपार्टमेंट की तरफ से, तो जो भी अपडेट्स होंगे आने वाले समय में आपको और भी दिए जाएंगे। आई होप कि ये वीडियोज़ आपको समझ में आई हो, अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपको और भी बेटर हेल्प किया जा सके। थैंक यू सो मच।